नीलम सिंह और पवन सिंह। जी हाँ, नीलम पवन सिंह की दूसरी पत्नी थी और उन्होंने पवन सिंह के ही घर में आत्महत्या कर ली थी। इस मौत के बाद पवन सिंह पर न जाने कितने आरोप लगे, लेकिन बाद में वो सारे आरोप गलत तो साबित हुए, लेकिन समाज में कई लोग आज भी पवन सिंह पर उंगलियां उठाते ही हैं। लेकिन क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि मौत से ठीक पहले नीलम सिंह ने पवन सिंह को कौन सी जिम्मेदारी दी थी, जिसे आज भी पवन सिंह बखूबी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी नीलम सिंह ने तब अपने भाई की जिम्मेदारी पवन सिंह पे दी थी और आज भी उनकी मौत के 6 साल बाद पवन सिंह का साला उनके साथ ही रहता है। जी हाँ, और तो और पवन सिंह ने जो आरा में घर लिया है, नया घर बनवाया है, उसका नाम उन्होंने नीलम निवास ही रखा है। वैसे आपको बता दें कि जब नीलम सिंह की मृत्यु हुई थी तो नीलम सिंह को हॉस्पिटल ले जाने वाले ही पवन सिंह थे। जैसे ही पवन सिंह को खबर मिली कि नीलम सिंह ने सुसाइड कर लिया है, पवन सिंह ताबड़तोड़ अपने दोस्त के घर से भागकर अपने घर आए और नीलम सिंह को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां पर उन्हें मृतक तो घोषित कर दिया गया, लेकिन पवन सिंह पूरी तरह से टूट गए। पवन सिंह ये कहते हैं कि नीलम के मृत्यु के बाद मुझे लगा मैं जुड़ ही नहीं पाऊँगा, लेकिन दोस्तों ने सहारा दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। नीलम और पवन की शादी हुए महज 4 महीने हुए थे, नीलम ने पवन सिंह के घर में ही आत्महत्या कर ली। आज भी नीलम की आत्महत्या करने की वजह सामने तो नहीं आई, लेकिन लोग कहते हैं कि पवन सिंह की जो लाइफस्टाइल थी, फिल्मी पार्टियों में पवन सिंह का इतना आना जाना था, जो लोगों के साथ उनकी बातचीत थी, ज़्यादातर लेडीज़ के साथ, हीरोइनों के साथ, वो उन्हें कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी। ये सारी चीज़ों को वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी नीलम सिंह के मौत की गुत्थी को सुलझाया जाए तो हमेशा अनसुलझी ही रहेगी, क्योंकि ये तो ठीक से किसी को भी पता नहीं है कि कौन सी ऐसी बात हो गई थी कि नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पवन सिंह उन्हें प्यार नहीं करते थे पवन सिंह ने खुद उन्हें आरा से मुंबई लेकर आए थे और आरा से मुंबई आने के मात्र 6 दिन बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन अपनी पत्नी से किया हुआ वादा आज भी पवन सिंह निभा रहे हैं। पवन सिंह ने अपनी पत्नी से जो वादा किया था कि वो उनके भाई को हमेशा अपने साथ रखेंगे, तो आज भी पवन सिंह के साले साहब उनके साथ ही रहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।